दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार? लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है, वो अमल में लाई जाएगी। ये तरीका मुनासिब नहीं है। मस्जिद का तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के, कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष। इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया है। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमरा से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है, वो अमल में लाई जाएगी। कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं, तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। अपना भविष्य बताओ, चक्कर में आऊंगे।